फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले मार्वल स्टूडियोज के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। मार्वल स्टूडियो ने मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन के अपने गौरवशाली 30 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन AAFT फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में आज हजारों बच्चों के सपनों को साकार कर रहा है। उत्तर भारत में AAFT एकमात्र ऐसी फिल्म संस्थान है जो लगातार फुल लेंथ फीचर फिल्म, टीवी सीरियल और लघु फिल्मों का बड़ी संख्या में प्रोडक्शन करता है, जो AAFT के प्रतिभाशाली छात्रों के कठिन परिश्रम एवं मार्वल स्टूडियो के अनुकूल वातावरण का परिणाम है। मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन की शुरुआत 1993 में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के साथ हुई थी। AAFT के छात्रों को मार्वल स्टूडियो के माध्यम से फिल्म एंड प्रोडक्शन का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन के 30 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर AAFT और ICMEI के संस्थापक डॉ. संदीप मारवा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन दुनिया का एकमात्र फिल्म संगठन है जहां प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड राइटिंग सहित विभिन्न विषयों के 140 देशों के 15,000 से अधिक फिल्म निर्माता जुड़े हुए हैं। AAFT की प्रमुख उल्लेखनीय फिल्में जिनको समीक्षकों द्वारा सराहा गया है, उनमें प्रमुख फिल्में सही कहा तुमने, आगत, निमंत्रण, रश, अरियल, फिरकी, देव अंश, सन ऑफ गॉड, लॉस्ट, द फ्यू सेकंड्स, फीलिंग, कॉफी हाउस, रियासत, दर्द डिस्को और मैं हूँ आदि है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। इसके अतिरिक्त योग छाया 13 एपिसोड, 3 कैंटीन 26 एपिसोड और मोहक श्रृंखला कश्मीर 6 एपिसोड जैसे आकर्षक टीवी धारावाहिकों का निर्माण कर दर्शकों को खूब लुभाया है। AAFT ने 3300 शॉर्ट फिल्मों के निर्माण का कीर्तिमान स्थापित करते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि ने न केवल आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है बल्कि 140 देशों के 15,000 से अधिक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को अवसर भी प्रदान किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं और हमने मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन के अंतर्गत एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। 1991 में हम लोगों ने मार्वल स्टूडियो शुरू किया था, लेकिन 1993 में हम लोग एजुकेशन में चले गए थे। जब हम लोगों ने एजुकेशन का काम शुरू किया और बच्चों को फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की ट्रेनिंग देनी शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि सारी ट्रेनिंग के बाद इन्हें एक मौका और देना चाहिए ताकि इन लोगों ने जो कुछ सीखा है वो बड़े मज़े से इंस्टीट्यूशन के खर्चे के ऊपर ही उसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ से बाहर जाएं। और वहाँ से हम लोगों ने छोटी फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। ये एक एक करके फिल्में आज कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोग तकरीबन 3300 फिल्में अब तक यहाँ से प्रोड्यूस कर चुके हैं। और मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन ने एक दरख्वास्त दी थी लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और वहाँ पर ये दर्ज हुआ और उन्होंने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया है, क्योंकि 3300 फिल्में अब तक, शॉर्ट फिल्में अब तक शायद किसी और ने इस धरती पे नहीं बनाई हैं, जिसमें 15,000 से भी ज़्यादा फिल्म टेक्नीशियन जो कि 145 मुल्कों से हमारे पास आए जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी फिगर जो है वो अब तक कहीं दूसरी जगह पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को नहीं मिल सकी थी, तो इन्होंने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया है। हकीकत तो ये है कि सिर्फ छोटी फिल्मों का ही निर्माण नहीं हुआ, मार्वल फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में बनाई, जैसे सही कहा तुमने, आघात, निमंत्रण, प्रश्न, अड़ियल, ये जैसे टेली फिल्में हैं जिनको हम लोगों ने दूरदर्शन पर चलाया और इसकी हमें बेहतरीन इसका रिस्पांस मिला। और शायद जहाँ तक याद पड़ता है 1993 से लेकर और करीब 2003 तक इन फिल्मों को कई बार दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के ऊपर टेलीकास्ट भी किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके बाद हम लोग इससे भी बड़ी फिल्मों में
पढ़े। हम लोगों ने चर्चित फिल्म कॉफ़ी हाउस जो कांस तक गई, हम लोगों ने फिल्म बनाई आई एम जिसको राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड से विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इसके बाद जिन फिल्मों के साथ हम अच्छी तरह जुड़े और जहां हम हमारे स्टूडेंट्स ने बेहतरीन तरीके से काम किया, उन फिल्मों में रियासत, उन फिल्मों में दर्द डिस्को जैसी फिल्में भी इन्वॉल्व हैं। साल का सफर कैसा रहा आपका वीडियो प्रोडक्शन को लेके? मुझे इतना पता है कि बहुत सारा काम आप कर लीजिए वो एक तरफ, और फिल्म प्रोडक्शन का जो काम है वो दूसरी तरफ। जो ये अकेला एक ऐसी संस्था थी जिसने पूरे पलड़े को बराबर किया, क्योंकि हम लोग फिल्म स्टूडियोज़ में थे, हम लोग एजुकेशन में थे, हम लोग रिसर्च में थे, हम लोग फिल्म क्लब चला रहे थे, वो सारे काम एक तरफ, और जो प्रोडक्शन का काम होता है वो एक तरफ। क्योंकि जब आप फिल्म प्रोडक्शन करते हैं तो तकरीबन 30 ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, लाइट्स, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, कैटरिंग, कन्वेंस, ऐसे मैं जोड़ता जाऊंगा तो तकरीबन 30 डिपार्टमेंट बन जाते हैं जिनको एक साथ जोड़कर एक समय पे कोऑर्डिनेट करना होता है, और फिर जाकर फिल्म का निर्माण होता है। और शायद इसीलिए बार बार ये दोहराया भी जाता है कि फिल्म प्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम है, और शायद यही वजह भी है कि फिल्म जब एक दफ़ा तैयार हो जाती है तो वो इतिहास बन जाता है। जितना तवज्जो फिल्म बनने के बाद दिया जाता है, उसको एक मूर्ति की तरह पूजा जाता है, वो शायद किसी टीवी सीरियल को या किसी टीवी प्रोडक्शन को इतना महत्व नहीं मिल पाता है। और जहाँ तक टेलीविज़न की बात आती है, हम लोगों ने टीवी के लिए भी बेहतरीन काम किया। सबसे पहला सीरियल हमने बनाया योग छाया, जिसका 13 एपिसोड हम लोगों ने बनाया डीडी के लिए, और दूरदर्शन ने इस पूरे सीरियल को 1 से 13 के बीच में करीब 30 दफ़ा ब्रॉडकास्ट किया होगा। उन दिनों में डीडी इंटरनेशनल बड़ा चर्चित हो गया था, जो पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा था दूरदर्शन का चैनल, उस पर ख़ास तौर पे उस पर बेहतरीन और बहुत दफ़ा ये बार बार सीरियल चला। इसके बाद हम लोगों ने एक और टीवी सीरियल बनाया टीम कैंटीन, जिसके 26 एपिसोड थे, और उसमें हमने 26 किस्म की स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को दर्शाने की कोशिश की कि किस तरीके से स्टूडेंट, आज के युग का जो स्टूडेंट है, उसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है और किन चीज़ों को वो गलत फहमी से अपनी मुसीबत समझ बैठा है या अपनी कमी समझ बैठा है या जूझ रहा है। उन सारे रॉन्ग नोशंस को हमने अलग अलग तरी एपिसोड में बांटा, और ये हिंदुजा चैनल के लिए हम लोगों ने बनाया था। और मुझे ये भी खुशी है कहते हुए कि ये एक बार नहीं, कई बार टेलीविज़न सीरियल कई दफ़ा कई दिनों हिंदुजा चैनल के विभिन्न चैनलों के ऊपर बराबर आता रहा। फिर एक सीरियल हमने दूरदर्शन के लिए और बनाया जो कश्मीर पे था, और कश्मीर के हालात उन दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो शायद इसीलिए दूरदर्शन भी चाहता था कि कश्मीर को किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए। तो वो 6 एपिसोड हमें दूरदर्शन से कमीशन हुए थे, हमने दूरदर्शन के ऊपर ये कश्मीर के ऊपर एक खूबसूरत सा सीरियल बनाया, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से चला और दूरदर्शन के तकरीबन हर चैनल के ऊपर घूम घाम कर एक फिर से ब्रॉडकास्ट हुआ। सर, अंत में एक छोटा सा, इतनी सारी मूवी, इतने सारे प्रोडक्शन आपने किए, कौन सा एक फेवरेट आपका मूवी ले या प्रोडक्शन ले लें जो आपको दिल से टच है? देखिए, हकीकत तो ये है कि ये तो वही बात हो गई, और मैं समझता हूँ बहुत प्रोड्यूसर इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जो प्रोडक्शन होती है वो बिल्कुल आपको अपने बच्चे जैसी होती है, और आपके कितने भी बच्चे हों, आपके सारे बच्चे आपको प्यारे होते हैं। क्योंकि जिन हालातों में, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की, फिर उसके बाद ज़रूरत होती है एक अच्छी मैन पावर की, ट्रेंड मैन पावर की, फिर आपको एक जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको फ्लोर के ऊपर बड़ा सुथरा, साफ, बड़ा पेशेंट एनवायरनमेंट रखना होता है, ताकि कोई भड़के नहीं, कोई टूटे नहीं, कोई बुझे नहीं, ताकि लोगों को एक साथ काम करने का मौका मिलता रहे।
और प्रोडक्शन जो है ये मान लीजिए एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा मोटिव है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं शुरू से लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, तो प्रोडक्शन भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न घरों से, विभिन्न कल्चर से डेवलप होके आए हुए लोग जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो एकजुट होकर एक हो जाते हैं, उस वक्त लोगों को ना अपना धर्म, ना अपनी जाति, ना अपना नाम, ना अपना बैकग्राउंड याद रहता है। अगर उन्हें याद रहता है तो सिर्फ वो फिल्म का नाम जिसके लिए वो काम